दोस्तों अब हमारे साथ है हमारा वॉल माउंटेड बेसिन मिक्सर्स। ये भी हमारे पास 8 तरह की कलेक्शंस में अवेलेबल है, जिसमें हमारी स्पाउट्स, प्लेट और हैंडल बदलते रहते हैं कलेक्शन के हिसाब से। हमारे पास जैसे ये राउंड कलेक्शन है, यहाँ पर राउंड है एजेस जो है इसके, प्लेट के हमारे पास रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, शार्प एज, हैंडल भी बदलता रहेगा कलेक्शन के हिसाब से, स्पाउट भी बदलती रहेगी। अभी काम कैसे करता है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। ये जनरली वाश बेसिन के ऊपर लगता है और वाश बेसिन से लगभग 9 से 12 इंची डिस्टेंस पे लगता है ऊपर। वाश बेसिन अगर इस हाइट पे है तो इस हाइट पे लगेगा, 9 से 12 इंची की मैक्सिमम हम लोग हाइट रखते हैं इसकी वाश बेसिन से। अब ये इसकी स्पाउट है, इससे पानी आउटपुट आएगा हमारा। अब मैं स्पाउट को अगर हमने लगाने के लिए हमें हटानी पड़ेगी आउटर पार्ट इसका, तो यहाँ पर नीचे एलन स्क्रू दिया होता है, इस एलन स्क्रू को एलन की से हम लोग कसे ढीला करेंगे, तो एलन स्क्रू ढीला होने के बाद स्पाउट आपकी ऐसे घुमा करके ये स्पाउट इसकी बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो ऐसे जैसे स्पाउट बाहर आ गई, ये वाली इसकी स्पाउट बाहर आ गई है। और ये इसका हैंडल है, इसके नीचे भी एलन स्क्रू दे रखा होता है। एलन की हम लोग पैकिंग के साथ देते हैं, एलन की से हम इसको घुमाएंगे स्क्रू को, तो ये हैंडल दूर हो जाएगा, हैंडल भी बाहर आ जाएगा। ये जैसे हैंडल ये बाहर आ गया, अब हमारे पास ये प्लेट है, ये प्लेट फ्री है, इस प्लेट को हम लोग निकाल सकते हैं बाहर। उससे पहले हम ये एक स्टड को, ये प्लेट को हमने हल्का सा मूवमेंट करा यहाँ से, ये वॉशर से, और ये प्लेट हमारी यहाँ से बाहर आ जाएगी। उससे पहले हम लोग स्टड को निकाल लेंगे, स्टड को हमने इसको यहाँ से घुमाएंगे तो ये वाला स्टड यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, स्टड ये वाला हमारा। और ये वाली प्लेट जो है इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये प्लेट हमारी यहाँ से बाहर आ जाएगी, इसकी प्लेट। अभी हमारे पास इसकी वॉल माउंटेड बेसिन मिक्सर का स्टड, वॉल माउंटेड बेसिन मिक्सर की हमारी ये जो कंसील पार्ट है, सिर्फ वो वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये इसका स्टड है। इसके हम आगे एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना हमारे को आगे चाहिए तो हम थोड़ा कम थोड़ी टाइट कर लेंगे, ज़्यादा पीछे चाहिए थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है, सिंपली इसमें कुछ काम नहीं, ये आउटपुट पानी का है हमारे पास। ये दो इनपुट हैं यहाँ पर, ये देख लो ये दो इनपुट हैं, ये वाले इस दो इनपुट के अंदर ये जल्दी ऐसे लगता है, ये इस तरीके से लगता है। इसमें जो पानी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड पे हमारा ये रहता है स्पाउट रहती है, राइट हैंड पे हमारे पास सिंगल ये मिक्स का हैंडल रहता है। तो इनपुट पानी का यहाँ से इनपुट जाएगा, एक यहाँ से इनपुट जाएगा, गर्म ठंडा कोई सा कर सकते हैं, इससे कोई हार्डली मैटर्स। यहाँ से एक से गर्म पानी जाएगा, ठंडा पानी जाएगा, दोनों मिक्स होकर के स्पाउट में बीच में आएंगे कार्ट्रेज में। 35 mm की इसके अंदर कार्ट्रेज होती है सिंगल लीवर की, वही हैंडल इसको ऑन करेंगे हम तो ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे बंद हो जाएगा, लेफ्ट राइट करने से मिक्सिंग हुआ पानी, मिक्स होकर के पानी वापसी स्पाउट में आ जाएगा, स्पाउट से आपको पानी मिल जाएगा। तो यही इसका तरीका है इसका लगाने का और इसका यूज करने का, वॉल माउंटेड बेसिन मिक्सर सिंगल लीवर।